गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंदूस लाइफ कॉर्नर। आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, वो हतारिका पीच के लिए लुक क्रिएट किया है। ये बहुत सिंपल और इजी सा लुक है, तो चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पे NYV का मेकअप सेटिंग स्प्रे एज अ प्राइमर यूज़ करूँगी। मैं आज ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगी, बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने ये लुक बहुत सिंपल सा और इजी वे में लुक क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पे ओलिविया की पेन स्टिक लूँगी और इसे एज अ बेस मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। ये बहुत अच्छा वाला पेन स्टिक है गाइस, इसमें मेरा शेड है 05 नेचुरल ग्लो। तो अब मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। गाइस मेरे यहाँ पे ये हरतालिका तीज नहीं होती है, हमारे यहाँ पे हरियाली तीज मनाई जाती है, बट फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं ये लुक क्रिएट करती हूँ। मैं कंसीलर के लिए भी सेम ओलिविया की पेन स्टिक को यूज़ करूँगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, और ब्रश की हेल्प से ही इसे पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कवरेज है इसकी, क्योंकि आप पूरा दिन फास्ट रहने के बाद आपकी बॉडी में इतनी जान नहीं होती कि आप बहुत सारा मेकअप अप्लाई करें। अब मैं अपने पूरे बेस मेकअप को मैबेलिन फिट मी के कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी। अब मैं सेम NYV का सेटिंग स्प्रे की हेल्प से अपना पूरा बेस मेकअप सेट किया है। अब मैं यहाँ पे मैबेलिन का न्यूट पैलेट लेके इसमें से ये डार्क ग्रे शेड पिक करूँगी और अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ये डार्क ब्राउन शेड पिक करूँगी और उसे अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और सेम कलर को ही मैं अपनी पूरी आईलिड पे भी अप्लाई कर लूँगी गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं करने वाली हूँ। अब मैं अपनी आईज़ को डेप्थ देने के लिए ब्लैक शेड पिक करूँगी, बहुत बहुत लाइट हैंड से इसको अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी आईज़ को डेप्थ मिल गया है और एक अच्छा सा आई लुक क्रिएट हुआ है। अब मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि कोई हार्श लाइन या एजेस ना दिखें। अब मैं यहाँ पे नायका का काजल लूँगी, ये जेल काजल है गाइस, इन द शेड ब्लू, और इसे एज अ आईलाइनर अपने आईज पे ड्रॉ करूँगी, और इसी से मैं अपने लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन को भी फिल कर लूंगी एज अ काजल। ये बहुत अच्छा वाला काजल कम लाइनर है गाइस, ये स्मज प्रूफ है और इसमें एक हल्की सी शीन है, बहुत हल्का सा शीन है। अब मैं ब्राउन और ब्लैक शेड पिक करूंगी और अपने काजल को स्मज करते हुए अप्लाई करूंगी, जिससे कि थोड़ा सा स्मोकी काइंड ऑफ इफेक्ट आ जाए। अब मैं सेम अपने न्यूट पैलेट से ही डार्क ब्राउन शेड पिक करूंगी और अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी, अपने चीक एरिया और चिन एरिया को कॉन्टोर करूंगी।
मैंने अपनी नोज को भी कॉन्टूर कर लिया है गाइस। अब मैं यहाँ पे मी ऑन का ब्लश पैलेट लूँगी, ब्लश प्लस हाईलाइटर पैलेट लूँगी और अपने फेस अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे ब्लश अप्लाई करूँगी। और इसी से ये लाइट पिंक शेड पिक करूँगी और अपनी नोज को अपने क्यूपिड बो और चिन एरिया चीक्स एरिया पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी गाइस। बहुत अच्छा पैलेट है, मेरे को बहुत पसंद है ये पैलेट। अब मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रो बोन को भी हाईलाइट करूँगी। और अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी लुक क्रिएट नहीं किया है। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे मैबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा अपने लैशेस पे अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ईजी सा लुक है। अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रेड अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी। अगर आपका कोई भी और लुक देखना चाहते हैं या कोई और सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं अपने ज्वेलरी वेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे ज्वेलरी वेयर कर ली है और हेयर स्टाइल सिंपल सा रखा है। अब मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूंगी। तो गाइज ये है मेरा फाइनल एंड फिनिश लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।